Hello, my dear young friends and my viewers, and thank you for watching my channel. And how are you? I hope that you all will be happy and pink in health and you are sailing in the boat of happiness. Or yeah, year, uh, complete complete jara ha hai or uh, final examination with और साथ साथ में बच्चों को टेंशन भी बढ़ती जाती है बट देर इज़ नो नीड टू गेट टेंस्ट आपको थॉरली जो है मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है और ज़रूरी नहीं है कि मेरे वीडियो से भी और भी वीडियो से आपको बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल जो है वो सब आ, से मिलेंगे जिससे कि आप अपनी एग्जामिनेशन में अच्छे से प्रपरेशन कर पाएँ ओके यस नाउ यू आर मोस्ट वेलकम इन माई चैनल नाई आप इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ्रेन हूँ और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ आई डियर फ्रेंड्स क्लास एट्थ आपको पता है क्लास एट्थ का ही मैंने अभी सिलेबस जो है वो तैयार किया हुआ है और इट्स सो हैपनड हम करने जा रहे हैं हनी ड्यू हम कंप्लीट कर चुके हैं इट्स सो हैपन यू नो दैट इट इज़ योर सप्लीमेंट्री रीडर आपके सप्लीमेंट्री रीडर हैं ये इसके हम चैप्टर थ्री पर आ गए हैं वन और टू का पूरा मटीरियल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है चैप्टर नंबर थ्री द सेल्फिश जॉइंट सेल्फिश का मतलब स्वार्थी होता है जॉइंट एक शैतान होता है ओके okay? तो ये एक सेल्फिश जॉइंट की स्टोरी है और इसकी समरी मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ नाउ देर इज नो नीड टू डिस्कस द समरी नाउ इट इज अ टाइम टू डिस्कस द टेक्चुअल क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द चैप्टर मैं टेक्चुअल क्वेश्चन एंड आंसर इसको जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ यस वाई इज द कॉल्ड सेल्फिश जाइंट जो है वो सेल्फिश क्यों कहला बुलाया गया द जांट इज कॉल्ड सेल्फिश बिकॉज ही थाट द गार्डन वॉज हिज प्रॉपर्टी जायंट जो है वो सेल्फिश इसलिए है स्वार्थी इसलिए है। क्योंकि जो गार्डन है आपको पता है गार्डन में तो सभी लोग आते जाते हैं लेकिन वो कहता है कि ये गार्डन मेरी खुद की प्रॉपर्टी है ही डिड नॉट अलाउ चिल्ड्रन इन द गार्डन वह बच्चों को अनुमति नहीं देता बगीचे में खेलने की ही ऑल्सो बिल्ट वॉल अराउंड इट उसने अपने बगीचे के आस एक दीवार बना दी है हिपोटाइट नोटिस बोर्ड नोटिस बोर्ड लगा दिया है और उस पर लिखा हुआ है ट्रस्ट पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड कि जो भी इसके अंदर आएगा उसकी कानूनी कार्यवाही की जाएगी ही ओनली थाट ऑफ हिमसेल्फ वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं बच्चों की फीलिंग के बारे में वो कुछ नहीं सोचता नाउ अन वान केशन द चिल्ड्रेड हाउ हैप्पी वी आर देयर लेटर दे सैड हाउ हैप्पी वी वर देयर वट आर द रेफरिंग टू इन बोथ द cases? ये दो केसेस हैं हम यहाँ कितने खुश हैं हम वहाँ वहाँ पर कितने खुश थे तो ये जो हम वहाँ यहाँ पर कितने खुश हैं ये उस समय की बात है कि जब जायंट जो है वो कॉर्निश ऑगरे से मिलने गया तो सेवन इयर्स के बाद लौटा था उससे पहले बच्चे गार्डन में आराम से खेला करते थे और लेकिन जब जाइंट आ गया तो उसने उसको उनको बच्चों को खेलने नहीं दिया तो बच्चे दीवार के ही बाहर खड़े रहते और रोड पर खेलते लेकिन डस्ट और पत्थर होने की वजह से खेल नहीं पाते थे तो यहाँ पर ये दो केसेस हैं ओके तो ये दोनों ही जाइंट के गार्डन से रिलेटेड हैं इन बोथ केसेस चिल्ड्रन वर रेफरिंग टू जाइंट्स गार्डन दोनों ही केसेस में बच्चे बात कर रहे हैं शैतान के बगीचे की इन द फर्स्ट सेंटेंस दे एंजॉयड इन द गार्डन पहले सेंटेंस में उन्होंने बगीचे में खूब एंजॉय किया बट इन द सेकेंड सेंटेंस दे स्टेड आउटसाइड द गार्डन लेकिन सेकेंड सेंटेंस में वो दैट गार्डन इज़ नाउ बियॉन्ड दियर रीच उनकी पहुँच से बिल्कुल बाहर है और वो गार्डन के बाहर खड़ी हैं दे कोडन एंटर इन इट और वो इसमें एंटर नहीं कर सकते देखिए बच्चे आपको दिख रहे हैं यस नाउ वेन स्प्रिंग विंटर इन द गार्डन जब बसंत ऋतु आई तो अभी भी बगीचे में सर्दी थी वो डज विंटर स्टैंड फॉर और इंडिकेट हेयर विंटर जो है यहाँ पर किसका प्रतीक है वेन द स्प्रिंग केम इट वॉज स्टिल विंटर इन द गार्डन जैसे ही बसंत ऋतु आती है अभी भी बगीचे में सर्दी ही है विंटर स्टैंड फॉर सैडनेस एंड लोनलीनेस सर्दी जो है वो किसका प्रतीक है दुख का और अकेलेपन का इट डिड नॉट लेट द फ्लार ब्लूम यह फूलों को खिलने नहीं देती द बर्ड्स वेल साइलेंट पक्षी शांत हो गए हैं और ना ही वहाँ पर चहचहा रहे हैं देयर वॉज नो जॉय हैप्पीनेस एंड ग्रीनरी वहाँ पर ना तो कोई खुशी है ना हंसी खुशी और हरियाली बिल्कुल भी नहीं है विंटर हैज़ बीन प्रजेंटेड एज अ स्टोरी विद इट्स ओन कैरेक्टर्स विंटर जो है उसके अपने ही कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के अंदर एंड देन एक्टिवेट दियर एक्टिविटीज़ और फिर जो है उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो जाइंट के बगीचे में आकर अपनी अपनी क्रियाकलापों को अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे जो है वो एक्टिवेट करते हैं शुरू करते हैं डिस्क्राइब द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स अपनी शब्दों में उसकी कहानी को समझाएँ विंटर इज़ अ सिम्बल ऑफ़ डिस्ट्रेक्शन विंटर जो है वो सिम्बल है यहाँ पर किसका डिस्ट्रक्शन का बर्बादी का इट हैज ब्रॉड इट्स ओन कैरेक्टर ये अपने ही कैरेक्टर को लेकर आती है पात्रों को लेकर आती है स्नो एंड फ्रॉस्ट बर्फ और धुंध आर हिज कंपेनियंस इसके जो है वो मित्र हैं ट्रीज आर कंप्लीटली कवर्ड विद स्नो एंड आइस पेड़ जो है वृक्ष जो है पूरी तरह बर्फ से और धुंध से ढक जाती हैं दे लुक लाइफलेस वे पूरी तरह से निर्जीव लगते हैं नॉर्थ विंड ऑल्सो केम देयर और उतनी ठंडी हवा भी वहाँ पर आ जाती है हेल्स केम स्टेड ऑन द रूफ और ओले भी आ जाते हैं और वो छत के ऊपर तड़ 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 की आवाज से पूरी छत की स्लेटों को तोड़ देते हैं वॉज अंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन क्या शैतान दुखी था या खुश था बगीचे की ये हालत देखकर ऑबियस है आपको भी अच्छे से पता होना चाहिए द जाइंट वो सैड जाइंट जो है बहुत दुखी है क्यों सारे बगीचों में स्प्रिंग आ गई है सिर्फ उसके बगीचे में बसंत ऋतु तो नहीं आई है डिफरेंट सीजन्स का एंड स्प्रेड देयर हैप्पीनेस अलग अलग मौसम आते हैं और वो अपनी खुशी को बिखेरते हैं बट जाइंट्स गार्डन वॉज अनटस्ड बाई देम लेकिन शैतान के बगीचे को उन्होंने अभी तक छुआ भी नहीं वॉट इफेक्ट दिनट सॉन्ग हैव ओवर हेल एंड द नॉर्थ विंड क्या प्रभाव होता है लिनेट के सॉन्ग का लिनेट एक सॉन्ग बर्ड होता है और बहुत ही मेलोडियस गाना गाता है लिनेट लिनेट के गाने का ओलो और उत्तरी ठंडी हवा पर क्या प्रभाव हुआ लेनेट सॉन्ग वॉज मिलेडियस। लेनेट का गाना बड़ा मीठा था शी स्टार्टेड सिंगिंग जैसे ही उसने गाना शुरू किया हेल स्टॉप डांसिंग ओलो ने नाचना बंद कर दिया एंड नॉर्थ विंड स्टॉप्ड रोरिंग और उत्तरी हवा ने दहाड़ना बंद कर दिया

जाइंट जैसे ही सुबह उठा तो लेनेट के गाने को उसने सुना और लेनेट के गाने को सुनकर वो बाहर आया बाहर खिड़की में से जैसे उसने देखा तो खिड़की में से एक बहुत ही परफ्यूम जैसी हवा जो है बहुत सुगंधित हवा उसको उसने उसे आई तो उसने देखा कि उसके बगीचे में स्प्रिंग आ गई और जब वो नीचे की तरफ गया तो देखा उसने कि एक छोटे से कोने में से बच्चे जो है वो क्राफ्ट द चिल्ड्रन आर क्रीपिंग बच्चे रेंग रेंग कर छोटे से कोने से बाघ के अंदर आ रहे थे ही सर चिल्ड्रन वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री और उसने देखा बच्चे पेड़ की हर शाखा पे बैठे थे द ट्री हैड ब्लॉसम्स पेड़ों के ऊपर फूल उगाए थे दे वर विविंग देयर आर्म्स जेंटली पेड़ अपनी बाजुओं को धीमे धीमे बच्चों के सिरों पर हिला रहे थे द बर्ड्स वर फ्लाइंग हैप्पीली पक्षी बहुत खुशी से उड़ रहे थे फ्लावर्स डिलाइटेड और फूल बहुत ही खुश थे ही सॉ स्प्रिंग इन हिज गार्डन और उसने देखा कि उसके बगीचे में बसंत ऋतु आ गई थी मतलब क्या बच्चे जो हैं वो बसंत ऋतु का सिंबल हैं वट डिड ही रियलाइज ऑन सी इंग एज और ये उसने ये देख करके क्या महसूस किया द जांट फेल्ट सॉरी ये तो बच्चों को देख कर तो बेटा कोई भी होगा तो उसको ऐसा ही सॉरी महसूस होगा कि मैंने उनके साथ क्या किया जायट को बड़ा दुख हुआ ही ब्लेन हिमसेल्फ और नॉट लेटिंग स्प्रिंग इन हिज गार्डन उसने अपने आप को दोष दिया कि उसने खुद बसंत ऋतु को अपने बगीचे में आने नहीं दिया ही कॉल्ड हिमसेल्फ सेल्फिश यहाँ पर हुए खुद अपने आप को सेल्फिश बुलाता है वाई वॉज़ इट स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन बगीचे के एक कोने में दूर कोने में अभी भी सर्दियाँ क्यों थीं इट वॉज स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन और बगीचे के एक कोने में अभी भी सर्दियाँ थीं वन लिटिल बॉय वॉज स्टैंडिंग एक छोटा सा बच्चा खड़ा था एंड क्राइंग अंडर द ट्री और पेड़ के नीचे खड़ा होके रो रहा था ही कुड नॉट क्लिम द ट्री लाइक अदर चिल्ड्रन दूसरे बच्चों की तरफ वो पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था दैट इज़ वाई इट वॉज स्टिल विंटर और इसीलिए गार्डन के बगीचे के एक कोने में बहुत ज़्यादा ठंड अभी भी थी डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जान लिटिल बॉय छोटे लड़के और शैतान की जो पहली मीटिंग थी उनका पहला जो मिलन हुआ था उसको डिस्क्राइब करें द जाइंट सॉ लिटिल बॉय क्राइंग शैतान ने देखा छोटा सा बच्चा रो रहा था हि केम क्विकली एंड लिफ्टेड द बॉय वह दौड़ कर आया शैतान दौड़ कर आया और बच्चे को उठा लिया ये जेंटली पुट द बॉय ऑन द ब्रांच ऑफ दैट ट्री और उसी वृक्ष की शाखा के ऊपर उसने बड़े प्यार से बच्चे को बिठा दिया दैट ट्री सडनली बोर फ्लार्स एंड बर्ड्स और जल्दी ही उस पेड़ के ऊपर फूल उगाए बर्ड्स बिगिन टू सिंग मेलेडियस सॉन्ग पक्षी आकर मीठा गाना गाने लगे द चाइल्ड किस द जांट ये बहुत ही टचिंग एक बात है यहाँ पर सीन है ये बच्चे ने जायंट को प्यार से चूमा डिस्क्राइब दियर सेकेंड मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल और उनकी दूसरी मीटिंग बहुत लंबे समय के बाद हुई बच्चा उस दिन के बाद से नहीं आया जायंट सबसे पूछता था और जाइंट बहुत कमज़ोर और बूढ़ा हो गया था वो खेल नहीं पाता था वो सिर्फ अपनी आर्मचेयर पर बैठा हुआ बच्चों को खेलते हुए देखता था और एक दिन क्या हुआ कि उसने देखा डिस्क्राइब देयर सेकेंड मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल बहुत लंबे समय के बाद उनकी दूसरी मीटिंग होती है आफ्टर मैनी ईयर्स द जान्ट्स ऑफ द लिटिल बॉय स्टैंडिंग अन द ट्री और बहुत सारे वर्षों के बाद शैतान ने देखा वही छोटा सा बच्चा पेड़ के नीचे खड़ा था ही सॉवस ऑन द लिटिल बॉयज पार्म एंड फीट उसने देखा उस छोटे से बच्चे के हथेलियों पर और पैरों पर घावों के निशान थे ही गॉट एंग्री शैतान बहुत नाराज हुआ ही वॉन्टेड टू स्ले द मैन हु हैड Who had uh, want who had wounded the child बच्चे wanted हटा लेंगे आप यहाँ से और वो मारना चाहता था उस आदमी को जिसने उस बच्चे को घाव दिए but the boy said that those were the wounds of love लेकिन बच्चे ने कहा कि ये प्यार के घाव है the giant lay dead all covered with white blossoms what does this sentence indicate about the once selfish giant जायंट जो है वो मरा हुआ पड़ा था पूरी तरह से सफ़ेद रंग के फूलों से वह कवर हो गया था व्हाट डज दिस सेंटेंस इंडिकेट अबाउट द वन सेल्फिश जायंट वे एक बार स्वार्थी शैतान जो था जो कि पहले स्वार्थी था उसके बारे में ये बात क्या बताती है दिस शोज लॉर्ड क्राइस्ट हिमसेल्फ केम टू ब्लेस द जा बात दिखाती है कि खुद लॉर्ड क्राइस्ट जो है वो ए, खुद आए थे जायंट को आशीर्वाद देने आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग ही वॉज नो मोर क्रूल एंड सेल्फिश पहले ही मीटिंग के बाद जो शैतान था वो दुष्ट और स्वार्थी नहीं रह गया था ही वॉज टोटली ट्रांसफॉर्म्ड वह पूरी तरह बदल गया था गॉड फॉर गेव हिम भगवान ने उसे माफ़ कर दिया था एंड टुक हिम टू द हेवन और उसको ले गए थे अपने साथ स्वर्ग में पैराडाइज में ले गए थे ओके okay. एक्सरसाइज है यहाँ पर बच्चे पेज नंबर ट्वेंटी फोर की द लिटिल चाइल्ड हैंड्स एंड फीट हैड मार्क्स ऑफ नेल्स छोटे बच्चे के हाथों में और पैरों में कीलों के निशान थे हु डज द चाइल्ड रिमाइंड यू ऑफ बच्चा आपको किसकी याद दिलाता है गिव रीजन फॉर योर आंसर अपने जवाब के लिए आपको कारण बताना है द लिटिल चाइल्ड्स हैंड्स एंड फीट हैड मार्क्स ऑफ नेल्स छोटे बच्चे के हाथों और पैरों में कीलों के निशान थे इट रिमाइंड ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट ये हमें भगवान क्राइस्ट के बारे में लॉर्ड क्राइस्ट के बारे में याद दिलाती है नाउ ये इस बेटा ये हीना वर्ड काट देंगे गलती से आ गया है ये। ही वॉज़ पुच ऑन अ क्रॉस उन्हें क्रॉस पर लटकाया गया था द नेल्स वर हेमर्ड इन टू हिज आर मैन फीच और उनके हाथों और पैरों में कीले ठोकी गई थी ओके okay? ना लेकिन लॉर्ड क्राइस्ट ने उन्हें भी माफ़ कर दिया था उन्होंने कहा था कि जो लोग मेरे साथ ये कर रहे हैं उनको माफ़ कर देना और आफ्टर फोर्टी डेज़ के बाद वो फिर अलाइव हो गए थे लॉर्ड क्राइस्ट ओके इज़ देर समिंग लाइक दिस गार्डन नियर वेयर यू लिव क्या ऐसा ही कोई बगीचा वहाँ पर है जहाँ आप रहते हैं वुड यू लाइक वन क्या आपको एक पसंद है विदाउट द जा शायद उसमें जॉइंट ना भी हो एंड वाई और क्यों पसंद है वट वुड यू डू टू कीप इट इन गुड शेप उस बगीचे को अच्छे रूप में रखने के लिए आप क्या करेंगे येस देयर इज़ अ ब्यूटिफुल पार्क नियर माई हाउस हाँ एक बहुत सुंदर बगीचा है मेरे घर के पास आई लाइक इट मुझे वह पसंद है दिस पार्क इज़ द लंग ऑफ द सिटी ये जो पार्क है वो मेरे शहर के फेफड़े की तरह काम करता है पीपल गेट फ्रेशनेस एयर लोग यहाँ पर आकर ताज़गी लेते हैं द ट्रीज गिवस फ्रेश एयर एंड ग्रीनरी पेड़ यहाँ पर Uh, बच्चे गिफ्ट में गिव आएगा यहाँ पे द ट्रीज़ गेव फ्रेश एयर और पेड़ जो है ताज़ी हवा और हरियाली देते हैं द पार्क इज़ जस्ट लाइक ट्रेजर टू मी ये पार्क मेरे लिए खजाना है सो आई ट्राई माई बेस्ट टू मेनटेन इट और इसी मैं बहुत कोशिश करूँगी या करूँगा इसको मेनटेन करने के लिए संतुलित करने के लिए वी शुड नॉट स्पॉयल इट्स ग्रास फ्लावर्स एंड ट्रीज़ हमें नहीं बर्बाद करनी चाहिए इसके आ, इसके घास फूल और पेड़ वी विल नॉट प्ले सच गेम्स विच रूइंग द ब्यूटी ऑफ द पार्क हमें ऐसे ये पी हटा लेंगे बेटा एक दो मिस्टेक्स हैं प्लीज़ आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा

दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट यस नाओ एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं अपना uh, जो है वो uh, जो वीडियो आने वाला है उसका मैं पहले से ही आपको बता दूँगी कि कौन सा वीडियो जो है मैं डालने वाली हूँ मेरी कम्यूनिटी पर जाकर यू पीपल कैन चेक इट एंड ऑल्सो क्विज़ भी मैंने दिए हुए हैं आप प्लीज़ क्विज़ को भी सॉल्व कीजिए सो दैट यू कैन एनहेंस यूर जी के नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय माई डियर फ्रेंड्स